पुलिस उहो मध्य प्रदेश के लगातार इनके ऊपर सवालिया निशान लागत है। सवालिया निशान ऐसा लागत है कि यदि पीड़ित के आवाज़ न सुनी जाए, पीड़ित के FIR न लिखी जाए, तो आखिर पीड़ित जाए तक जाए के लगे। सवाल बेहद बड़े हैं, किंतु हमारे साथ यहाँ कुछ पीड़ित लोग खड़े हैं जो बीते दिन इनके साथ जानलेवा हमला भा बेचारे पुलिस के शरण में गए, किंतु अभी तक न FIR लिखी गए और दर दर ठोकर खाए का अब पीड़ित पक्ष मजबूर है। विंध्य क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष तिवारी अपना पंचन के सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे यह बेहद सिस्टम के दुखद खबर के, जौने माँ हमारे साथ पीड़ित एठे खड़े लागे जिनके साथ बेहद बड़ी घटना भई ही। बीते दिन चौरसिया ढाबा में इनके साथ मारपीट भय, मारपीट के शिकायत कीन गए, किंतु यह शिकायत पर अभी तक पुलिस के द्वारा कोनो कार्यवाही नहीं भय। का ना हो अपना के का पूरा घटनाक्रम है पूरा बताई। हमारा नाम श्रवण तिवारी है। हम लोग इधर से रीवा तरफ से जा रहे थे, वहाँ पे गाड़ी खड़ी किए तो हम लोगों की गाड़ी गाड़ी खड़ी चौरसिया ढाबा चौरसिया ढाबे में गाड़ी कहाँ है चौरसिया ढाबा ये महासाओं महासाओं में चौरसिया ढाबा में गाड़ी खड़ी किए। वहाँ पे कुछ लोग दारू सारू पी रहे थे, वो गाड़ी की चाबी मांगे, उनको चाबी ना देने पे वो हम लोगों से मारपीट किए और हम लोगों को बोले कि जानते नहीं हो हम कौन है ये जान लो। और मारने पीटने के बाद हम लोग जो सामान लिए थे, मोबाइल, पर्स में पैसा भी था, अंगूठी, भाई साहब चैन भी पहने थे, वो सब छोड़ा लिया गया। अपना पति कई जने रहे? हम लोग केवल तीन लोग थे। को रहे? हम ये मैं। अच्छा जी, अपना पति कहाँ से आबर रहे? हम लोग गए थे सिस्टर को छोड़ने, इनकी सिस्टर थी, मैं गाड़ी चला रहा था। छोड़े गए रहे? इलाहाबाद। चलिए तो देखिए, यह सीधे तौर पर सिस्टम के एक ऐसा खामी निकल के सामने आ रही है और सब जने मौजूद हैं यह पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आवेदन लेके फिर रहे हैं, किंतु इनके आवेदन का सुने वाला कोई नहीं है। एक ठे डब्बा लगाए दिन गया है, वह डब्बा में ही आवेदन डाल दीन। अब वह डब्बा खुली कि न खुली ओहू के कोनो भरोसा नहीं है, किंतु पुलिस अधीक्षक कह रहे हैं मतलब अभी तक फिलहाल अभी सामने सामना नहीं भा है। कोशिश करब हमहूँ उन्हों से जवाब लेके, किंतु अपना काम दिखावे चाहिए थे कि जो युवक के साथ मारपीट भई ही वह कौम में बेरहमी से जानलेवा हमला कीन गा है। हम कहा कैमरामैन से क्यों देखा मैं कि इतनी गहरी चोट के बावजूद आखिर पुलिस के आँखी में पर्दा काहे पड़ा है, पुलिस का दिखात काहे नहीं आए कि आखिर यह चोट कैसा ही यह चोट देखी से पूरे शरीर में मारा गया। यह देखी हमारे साथ जो दूसर शख्स रहे उन्हों के साथ ही हमें मारपीट भय। और किंतु सवाल यह है कि आखिर कार्यवाही काहे नहीं हुए, काहे यमें आम लोगन के आवाज़ पुलिस तक नहीं पहुंच पावे कि पीड़ित अपने दर्द कर ले के दर दर भटके का मजबूर होते है। हमारे साथ दूसर साथी हैं उनकर जिनके साथ लगातार मारपीट भय उठ के हम विपिन जी से पूछब कि आखिर का हालात रहे कौन दरमियान ये पूरा घटनाक्रम। सर वो लोग 10-12 लोग थे वहाँ पे बैठ के दारू पी रहे थे। हम लोग वहाँ गए खाना खाने का आर्डर दिए, खाना आ गया, चारपाई में हम लोग बैठ के खा रहे थे, तभी वो लोग गाड़ी की चाबी मांगे। हम लोग गाड़ी की चाबी बोले हम लोग को खा के जाना है, वो बोले हमको जानते नहीं हो, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, इतने में वो लोग मारना शुरू कर, यहाँ डंडा मारे, फिर हम लोग उनको छुड़ाने के लिए ये भी गए, इनके सर में राड मार दी, ये फट गया पूरा। जब वहाँ से हम लोग गए चौकी गुड़ थाना में वहाँ रिपोर्ट लिखाने के लिए, तो यही हमको एक कापी दी गई थी बस। इसके बाद से अभी 4 दिन हो गए सर, हम लोग अपने हाँ समझौते के लिए दबाव भी डाला जा रहा है और हम लोगों को बोला जा रहा है कि मतलब आप लोग आके समझौता कर लो। निश्चित तौर पर यह बेहद दुखद घटनाक्रम है कि जब पीड़ित पक्ष का दबाव बनावा जाए लाग और यह कहा जाए लाग है कि अब समझौता खींच जाए। सवाल यह उठत है कि का पीड़ित के साथ जो मारपीट भय ही, जो उनके साथ छीना झपटी भय, जो उनके साथ लूट के वारदात का अंजाम दिन गा, तका पुलिस वो का समझौता तक ले जा चाहती। सवाल बेहद बड़े। तीसर साथी हमारे साथ है, उन्हों से हम पूछे थे कि आखिर का वजह ही कि 4 दिन में का लागत है कि का वजह ही कि ये वजह से नहीं हो लगी अपना बचन के FIR। ऐसे अधिकारी रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। हाँ। मुझे 4 दिन हो गए घूमते हुए लेकिन अभी तक मेरी कुछ सुनवाई नहीं हुई। 2 दिन यहाँ आया SP ऑफिस, यहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई। एक डब्बा रखा हुआ है वहाँ पे, बोला गया कि इस पे डाल दो, मैंने डाल दिया। सर से मिलने के लिए कोशिश की, वहाँ पे खड़े थे और सिपाही सर लोग, लेकिन कोई मतलब नहीं हम लोगों को आने का। और वहाँ गुड़ थाने में लगातार 4 दिन से जा रहा हूँ, वहाँ पे एक मुंशी सर हैं चंद्रमण तिवारी जी, तो बोलते हैं कि समझौता कर लो, अगर समझौता नहीं करोगे 2-4 हज़ार रुपये लेकर समझौता कर लो। इतने में क्या होता है, ऐसे मारे हैं, मुझे न्याय चाहिए, समझौता नहीं चाहिए।
निश्चित तौर पर न्याय की उम्मीद लेके दर दर भटके का पीड़ित पक्ष मजबूर है। हालात यह कि सुबेरे से सीधी यह रीवा के पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह जी के इंतजार कर रहे हैं कि अपन व्यथा सुनाई पाई, किंतु हालात यह कि अभी तक इनकर कहों सुनवाई नहीं भय। हमारे साथ जो भाई हैं तो ये बताइए, अपना के साथ जो मारपीट भय तो मेडिकल वगैरह भरा है कि नहीं भरा? यहाँ लाए थे मेडिकल करा रहे बीसीए हॉस्पिटल में, लेकिन हुआ कुछ नहीं था, इसे दूर से पट्टी दूर से कर लिए और भेज दिए जी। नहीं तो आखिर वजह का ही कि अब पूरे सर मैं बोला उनको कि सर इसको देखिए, बाल भी नहीं काट रहे थे वो लोग, मलहम लगा के छोड़ दिए थे। इसका पूरा ब्लीडिंग हुआ था, पूरी दो तीन रुमालें थी हम लोगों के पास, सब लगा लगा कि इसमें ब्लड गया है। इसके बाद वो पहले तो वो आ ही नहीं रहती, 100 नंबर वाले आ ही नहीं रहते, बोले घर चले जाओ कुछ नहीं है। तो ये बोला कि आप आए हैं तो ये मेरी चाबी मिल गई यहाँ छिपा, बोले ठीक लुकाए थे नहीं तुम लोग भाग जाते। और वो जो मारे हैं वो पूरा मतलब टीम उनकी 10-12 लोग थे, सब भाग गए थे वहाँ से, 100 नंबर आए केवल हम लोग थे वहाँ। नहीं तो कहा अपना बच्चे उनको पहचानी थे जो लोग में अपना बच्चे के साथ घटना? हाँ हाँ पहचानते हैं, पहचानते हैं। को आई? राजू तिवारी, ऋषि पांडे, राजेश पांडे, राहुल पटेल और वो आशीष चौरसिया और कुछ लोग और थे जिनको नहीं पहचानते, उनके साथी थे 10-12 लोग थे। तो वजह सिर्फ चाबी के रही गाड़ी के? हाँ गाड़ी की चाबी, हाँ वो गाड़ी की चाबी मांगे तो चाबी नहीं दिया गया, और चाबी ना देने पे वो मारपीट किए, बोले कि जानते नहीं हो। हम लोग बोले कि भाई क्या मतलब है जानने से, भाई हम परदेसी आदमी खाना खा के चले जाते, लेकिन खाते ही समय वो इतना करने के बाद सीधे मारपीट चालू कर दिए, रात से यहाँ मारे अब यहाँ तो दिखाई दिए पूरी शरीर में बिल्कुल इतने डंडे मारे। अपना का गुड़ के थाना प्रभारी जो आराधना सिंह है उनसे बात भय अपना के? उनकी बात हुई तो वो डांटती हैं हम ही लोगों को, बोलती हैं कि वह वहाँ गए जब मैडम जी से मिलने के लिए तो बोले कि सब लोग अल्कोहल में थे। मैं बोला मैडम जी मैं नहीं हूँ, बोले वीडियो दिखाई, मैं बोला वीडियो दिखा दीजिए उसमें स्पष्ट दिख जाएगा कौन पी रहा था कौन खा रहा था, पर बोली ठीक है मैं दिखाऊंगा सारी अकड़ निकाल दूंगा, तुम गंगा जल के धुले हो ये वो। मैं बोला ठीक है आगे जाके दबाव दे रही है। निश्चित तौर पर सोची कि चोर और कोतवाल का डाटा है, अपन गलती का छुपावे खीतिर पीड़ित पक्ष पर गलती झूठे आरोप लगावे के अपना द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं। उस साफ तौर पर यह बात समझ में आ रही है कि एम आप पुलिस के मिली भगत से आरोपी का संरक्षण दिन जाल लग है, लगातार यह संरक्षण के चलते हालात ऐसा बन रहे हैं कि अब आखिर भरोसा तक के ऊपर करे इंसान, जाए तो जाए के लगे। केहू के साथ 4 दिन पहले बेवजह मारपीट की जा थी और अब वो मारपीट करे वाले खुली हवा में सांस ले रहे हैं और जेके साथ मारपीट भय वो दर दर भटके का मजबूर है। हालात यह कि कबो थाना में जाते हैं गुड़ थाना में हाजिरी लगावे, कबो पुलिस अधीक्षक के लगे आबत है, कबो आईजी ऑफिस जाते, तो आखिर पीड़ित के जुर्म का ओके साथ जो मारपीट ही ओकर न्याय चाहिए, किंतु वह न्याय खीतिर दर दर भटके का मजबूर है। सवाल बेहद बड़ा यह सिस्टम से कि 4 दिन से लगातार एक शख्स जेके सिर में लंबी गहरी चोट है वह पुलिस का नहीं दिखा है, दिखा है तो सिर्फ वो अपने नजरिया से वह पूरे घटनाक्रम का देख रहे हैं और अब आम जनता जो है पूरी तरह से जो है प्रताड़ित हो रही है और यह सिस्टम के कमी है। लगातार यह सिस्टम पर पहले सवाल उठे हैं और रीवा में आए दिन गोलीबाजी जैसा घटनाक्रम साफ तौर में सामने आवा थे, आए दिन ऐसा कोनो दिन नहीं है जौने दिन रीवा में गोली कांड न हो, खुलेआम में गोली कांड होते, किंतु पुलिस गहरी नींद में सोए रही है और अपने कारनामन पर पर्दा डारे के काम कर रही है। तो कोशिश हम करब कि पुलिस अधीक्षक रीवा से इस सभी सवालन के जवाब लिन जाए और यह पूरे मसला में हम उनसे बातों करे के प्रयास करब, या जो मुंशी हैं जो दबाव बनाबे के प्रयास कर रहे हैं गुड़ थाना प्रभारी गुड़ थाना के अंतर्गत, मैं हम उनकर जो है ऑडियो सुनाबे के प्रयास करब, या केकर ऑडियो है सुनाई लागे अपना गुड़ थाना के मुंशी जी चंद्रमण तिवारी जी का? चंद्रमण तिवारी सुनी आपसी बात है मैडम से? हाँ मैडम से नहीं है, हम आई थे तो बात कर ले। तीनों जन आ जाए? हाँ आ जाते तीनों जन, हम बता दें मैडम जी का। हाँ बता दी ना, बता दें आप, हम मिल रहे थे सब लोग आए हैं।
कब बुला लेंगे? अवेंचर साहब हम कब से इनका चलाते आधा घंटा लग गई। हाँ सर, एक घंटा बाद है ना। हाँ हाँ, डेढ़ घंटा बाद है ना। हाँ हाँ, तो बता दी हम जी। हाँ मैडम जी, हाँ वही थे। हाँ बात करा दी, बात करा दी। ठीक है सर, हम एक घंटे घंटा बाद आ रहे हैं। हाँ हाँ, आ जाओ ठीक है, बता आ आ जा तू। हाँ ठीक, तीन बजे आ जा। ठीक है, ठीक है, हो गया सर। निश्चित तौर पर देखी कि यह एक ऑडियो अपना का सुनाएं जो चंद्रमण तिवारी मुंशी हैं गुड़ थाना में, उनके द्वारा खुलेआम पीड़ित पक्ष पर दबाव बनाया जाता है कि 2-4 हज़ार रुपया लेके पूरा मामला सुलटा दे। तो सवाल यह उठा था कि का केहू के इज्जत मान मर्यादा मारपीट शारीरिक चोट का अब समझौता तक ले आवे के काम कर रही है पुलिस। पुलिस के काम आए आरोपी का दंड देव, ना कि समझौता के प्रयास कराओ। सीधे तौर पर सोची कि इतना बड़ा जो घटनाक्रम है या घटनाक्रम का लीपा पोती के काम कर रही है गुड़ थाना और जौने के मूकदर्शक बन के पूरा रीवा पुलिस के महकमा देखी रहा है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। कोशिश करब कि हम रीवा के पुलिस अधीक्षक से सीधे तौर पर यह पूरे मसलम बात करी और उन्हों के राय और उनकर का कार्यप्रणाली है, का उ कहत ये पूरे मसलम, वह बात सुनवाबे के प्रयास करब। निश्चित तौर पर पीड़ित न्याय की उम्मीद लय पुलिस अधीक्षक के डेहरी में बैठ है, किंतु यह डेहरी से न्याय की उम्मीद की इंजाल लागी। उम्मीद है कि यह में पीड़ितन का न्याय अवश्य दीन जाइए। अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।